हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक है। आज हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं अंकुरित की हुई जो दाल है, हमारे पास जो चना है, ये काफ़ी दो तीन दालें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हमने मार्केट से ख़रीद किया है जो कि दुबई से कम हमको 3 दिरहम में ये मिली है। और आप इसको घर में भी बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हम उसकी वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। और इसमें जो ऐड करने वाला सामान है, तिल है और अनार है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ी चेरी थी, ये हमने सब कुछ ऐड कर दिया है। और इसमें दाल को ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें जो हमारा बादाम है, बादाम को छिलकर ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं, जो बादाम हमने छिल दिया है, इसको जैसे भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और अंजीर आपका दिल हो तो ऐड करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप सस्ते में काम चला सकते हो, अच्छा प्रोटीन प्राप्त कर सकते हो सस्ते में। और अगर आप चाहें तो इसे प्याज, नमक और नींबू भी ऐड कर सकते हैं, वो अलग तरीके से हम बनाएंगे। और इसके बाद हमने तिल ऐड कर दिया है। और आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। और सस्ते में आपका काम चल सकता है, अच्छा प्रोटीन मिलेगा। अगर आप जिम लगाते हैं तो ज़रूर ट्राई करें, हफ्ते में 3-4 बार इसको ज़रूर लें। और साथ ही साथ हमने इसमें पिंक साल्ट, मतलब कि जो नमक है हमारे पास, हमने वो ऐड किया है। और देख सकते हैं, इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। आप देख सकते हैं, आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, जो हम नए तरीके से दाल को बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो बचा हुआ दाल है काफ़ी है। और आप इसको ज़्यादा नहीं, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही बनाएं, ताकि आप इसको खा सकें। ये खाने में काफ़ी भारी रहती है, और आप उतना ही बनाएं जितना ज़रूरत है, उसके बाद आप फिर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। ये देख सकते हैं, इसका लुक बहुत ज़बरदस्त था, मैंने तो ट्राई किया, खाया भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आने वाली वीडियो, हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो नमकीन बनाएंगे, नमकीन दाल की वीडियो बनाएंगे। तो और बने रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आपके साथ हो, और थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।